सो हाय गाइस, आई एम सत्यम एंड वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल एफ एफ आर्मी। एंड गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और गाइस आगे भी बढ़िया रहे। सो गाइस, टाइटल और थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो गाइस हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले फ्री फायर में आने वाली इवोल्यूशन MP40 के बारे में, क्योंकि गाइस आपको इवोल्यूशन MP40 देखने को मिलने वाली है। और गाइस उसी के साथ साथ हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में, और हम इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि आपको नेक्स्ट वेपन रॉयल क्या कुछ देखने को मिलने वाले हैं, और भी एक दो तीन इवेंट के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारे फ्री फायर में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है हर एक फ्री फायर प्लेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इवोल्यूशन MP40 की एक न्यू स्किन देखने को मिलने वाली है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी इवोल्यूशन MP40 की, वो कब आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस करीब करीब अभी से 15 या फिर 20 दिन के बाद आपको वो MP40 देखने को मिलेगी हमारे गेम के अंदर। तो गाइस उसका आप लोग वेट कीजिएगा, वो बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपके लिए बहुत ही जल्द मतलब कि देखने को मिल जाएगी आपके गेम के अंदर। और बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वेपन रॉयल की, तो गाइस जब आपको नेक्स्ट वेपन रॉयल देखने को मिलेगा तो गाइस एक ऐसी गन की स्किन आपको देखने को मिलेगी जो कि फ्री फायर में आपके कभी भी नहीं आई है। ठीक है, हाँ गाइज आपने सही समझा, आपको देखने को मिलने वाली है एक थॉम्सन गन की नई स्किन जो कि आपको गेम के अंदर देखने को मिलेगी, सबसे फर्स्ट लेजेंडरी गन की स्किन। और थॉम्सन गन की स्किन कोई लेजेंडरी स्किन या फिर ऐसी स्किन अभी तक गेम के अंदर नहीं आई है मेरे ख्याल से, और यहाँ पर यह फर्स्ट की गन की स्किन आपको देखने को मिलने वाली है थॉम्सन की। तो गाइज इसका आप लोग वेट कीजिएगा, बहुत ही अच्छी गन की स्किन होने वाली है और आपको बहुत ही जल्दी ये गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले आने वाले इनक्यूबेटर के बारे में, जो हमारा आने वाला इनक्यूबेटर होगा। तो गाइज वो था हमारा P90 का, लेकिन गाइज P90 का इनक्यूबेटर अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारा नेक्स्ट इनक्यूबेटर आ रहा है ना गाइज, वो चेंज हो चुका है। तो कौन सा होने वाला है, तो गाइज अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, तो गाइज सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये है आपका ब्लूप्रिंट, और गाइज ये है आपका वो बंडल। तो गाइज बंडल आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बंडल आपको कितने ज़्यादा मतलब कि स्टोन लगाने पड़ेंगे, कितने आपको ब्लूप्रिंट लगाने पड़ेंगे, कौन कौन सा बंडल मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो गाइज सबसे अच्छा सबसे रेयर है, ठीक है, तो वो गाइज सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। इसके लिए आपको 7 स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट लगाने पड़ते हैं। तो गाइज वो बंडल जो है काफ़ी ज़्यादा रेयर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा आपके नेक्स्ट इनक्यूबेटर में। तो गाइज बात करते हैं हमारे टॉप वाले बंडल की, तो गाइज टॉप वाला मेल का बंडल आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हो हेयर वेयर सब कुछ इसका इसके बैक से एनिमेशन निकल रहा है। और गाइज ये हमारा मीडियम वाला बंडल जो कि हमें सेकंड नंबर पे देखने को मिलता है, मेल का सेकंड बंडल जिसको आप बोल सकते हो। तो गाइज ये देख सकते हो, ये आपको ब्लू कलर में देखने को मिलता है और इसका भी हेयर कुछ इसी टाइप का है। और बात करते हैं हमारे थर्ड नंबर वाले बंडल की, तो गाइज जो हमारा थर्ड नंबर वाला बंडल है, तो गाइज वो आपको इस ग्रे कलर और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में मिलता है। तो आप लोग देख सकते हो ये वाला है आपका मतलब कि सबसे लास्ट वाला मेल का बंडल। और बात करें अगर फीमेल बंडल की, तो गाइस फीमेल बंडल भी आपको देखने को मिलेगा, टॉप वाला बंडल आप लोग देख सकते हो, ये फीमेल का आपका टॉप वाला बंडल जो कि आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलता है। और हम बात करेंगे हमारे सेकंड नंबर वाले फीमेल बंडल की, तो गाइस सेकंड नंबर वाला फीमेल बंडल भी आपको ब्लू कलर में कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा मतलब कि बंडल है, तो गाइस वो काफ़ी कमाल का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा गाइस वो करो तो आप कमेंट में बताइएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये सभी के सभी जो बंडल्स हैं, तो गाइस मुझे सबसे ज़्यादा खास लगे, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छे बंडल है, ठीक है गाइस, तो वो गाइस आपको टॉप में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट अपडेट की, और गाइस अभी हम बात करने वाले हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले एक नए इवेंट के बारे में। तो गाइस नया इवेंट जो होगा वो गाइस काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो गाइस हमारे इंडियन सर्वर में उस इवेंट को कुछ अलग तरीके से भी दिया जा सकता है, क्योंकि शायद से ऐसा हो सकता है कि हमारे इंडियन सर्वर में वो वेब इवेंट भी हो सकता है, कोई मिशन कंप्लीट करने वाला भी इवेंट हो सकता है। लेकिन गाइस अदर सर्वर की अगर हम बात करते हैं, तो गाइस अदर सर्वर पर कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले, क्योंकि गाइस उसमें जो बंडल्स दिए जा रहे हैं वो बंडल्स जो है काफ़ी न्यू है, और गाइस उसमें जो ग्लू की स्किन दी जा रही है गाइस, तो गाइस वो भी काफ़ी कमाल की है। तो गाइस सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो वाला इवेंट कि वो इवेंट कौन सा है, उसके बाद हम बताते हैं कि आपको क्या क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस इवेंट के अंदर से। तो गाइस वो इवेंट आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये इवेंट दिख रहा है। तो गाइस यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अदर सर्वर पे कैरेट ओपन करने पर दिया गया है, मतलब अगर आप 25 डायमंड के कैरेट्स को ओपन करते हो तो आपको उनके बदले में टोकन मिलते हैं, और गाइस टोकन के बदले में आपको यहाँ पर एक ग्लू की स्किन जो कि इस टाइप की है, तो गाइस ये आपको देखने को मिलती है जिसपे समुराई बना हुआ आप लोग देख सकते हो। और गाइस उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बंडल्स भी देखने को मिलते हैं, तो गाइस बंडल देख सकते हो, बंडल कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी बंडल्स देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस ये सब कुछ आपको कैसे मिलेगा, आपको एक कैरेट ओपन करना है, और कैरेट ओपन करने के बदले भी यहाँ पर ये सब कुछ दिया गया है। तो गाइस हमारे इंडिया सर्वर में इसे दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, कोई कंफर्म नहीं है कि ये आपको देखने को मिले, क्योंकि अदर सर्वर में जो कैरेट ओपन करने पर दिया जाता है, तो गाइस वो हमारे इंडिया सर्वर में अगर दिया जाता है तो कोई वेब इवेंट में दिया जाता है जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा डायमंड्स लगते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इसको दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। तो गाइस कोई कंफर्म नहीं है कि आपको ये देखने को मिल जाए।
तो यहाँ पर ये आपको मतलब कि एक इवेंट था, तो गाइज इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये भी एक अपडेट था, क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको नई नई आइटम्स भी देखने को मिल रहे थे। एंड गाइज अभी हम बात करने वाले हैं कि अब आपको कौन सा नेक्स्ट वेपन रॉयल देखने को मिलने वाला है हमारी M4 इवेंट के बाद। तो गाइज आपको नेक्स्ट वेपन रॉयल में आपको एक थॉमसन गन की स्किन देखने को मिलने वाली है, जो कि एक नई गन की स्किन है और इससे पहले कोई थॉमसन गन की स्किन नहीं आया, और ये आपको लेजेंडरी गन की स्किन देखने को मिलने वाली है। तो गाइज इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और कैसी वो गन दिखने वाली है, तो गाइज इसके बारे में देखने के लिए गाइज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो इवेंट जो गन की स्किन है ना गाइज, वो गाइज काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि आपकी वो थॉमसन गन की स्किन है और गाइज वो सबसे पहली थॉमसन गन की स्किन है ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं वो गन की स्किन की, गाइज वो गन की स्किन कौन सी होने वाली है। तो गाइज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो गाइज ये है वो आपकी थॉमसन गन की स्किन, और गाइज इस गन की स्किन का नाम है थॉमसन टाइम ट्रेवलर्स। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डबल रेंज, और गाइज यहाँ पर जो रिलोड स्पीड है तो गाइज वो आपको एक प्लस देखने को मिलता है, और गाइज इसके बाद जो आपका माइनस है तो गाइज वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है, शायद से एक्यूरेसी है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो गाइज ये आपको एक थॉमसन गन की लेजेंडरी गन की स्किन आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको आप लॉबी में भी लेके जा सकते हो, और गाइज ये आपके नेक्स्ट वेपन रॉयल में आएगी। तो गाइज आप लोग को इसका वेट होगा, और अभी M4 जब आपकी ये एक्सपायर हो जाएगी जो अभी फिलहाल चल रही है, तो गाइज उसके एक्सपायर के बाद ही आपको ये गन की स्किन देखने को मिलने वाली है। तो गाइज लुक इसका आप लोग देख सकते हो, लुक के हिसाब से गाइज मुझे तो लगता है ये गन की स्किन काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाली है। तो गाइज आप अपना फीडबैक अपने कमेंट में कर दीजिएगा, तो गाइज हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, तो हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, तो गाइज कमेंट कर दीजिएगा। और अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं हमारी जो MP40 आने वाली है, जो हमारी इवोल्यूशन MP40 आने वाली है, तो गाइज फाइनली हम उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये गन की स्किन आपको 15-20 दिन के बाद देखने को मिलने वाली है, तो गाइज आपको MP40 की एक ईवो गन देखने को मिलने वाली है, जैसे कि आपकी AK की ईवो गन आ चुकी है, और गाइज उसमें आपको जो डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिला, सिंगल डैमेज देखने को मिला, और उसमें आपको रीलोड स्पीड सिंगल माइनस देखने को मिला अगर आप उसका लेवल मैक्स करते हो, तो गाइज और उसका स्ट्रक्चर भी बढ़ जाता है, उसका एनिमेशन भी बढ़ जाता है, और वहाँ पर आपको उस गन में बहुत ही ज़्यादा खास खास मतलब कि आइटम्स देखने को मिलते हैं, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको MP40 की भी एक न्यू ईवो गन देखने को मिलने वाली है, जो कि फ्री फायर में आपके बहुत ही जल्द गेम के अंदर आ जाएगी, तो गाइस आप लोग उसको देख सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम उसका रिवील करवाते हैं कि वो गन की स्किन कैसी होने वाली है। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर ये गन की स्किन आप देख सकते हो, इसका अगर आप जब लेवल अप करते हो तो गाइस ये गन की स्किन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स वाली हो जाती है। और गाइस MP40 की ईवो गन आने के बारे में काफ़ी सारे फेक न्यूज़ भी चल रही है, जैसे कि आपको कुछ कुछ गन की स्किन जो एडिटेड भी देखने को मिल रही है, तो गाइज ये वाली जो गन की स्किन आपको देखने को मिल जाएगी और इसके एट्रीब्यूट आने पर ही कंफर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी गन की स्किन ऐसी हैं जो कि एडिटेड आपको देखने को मिल रही है। तो गाइज जैसे कि ये वाली गन की स्किन है, तो गाइज इसके बारे में कोई कन्फर्म चांस नहीं है कि आपको देखने को मिल जाए, और ये देखने में भी एडिटेड लग रही है, ठीक है। तो गाइज ये वाली गन की स्किन को आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि गाइज ये गन की स्किन आपको इवोल्यूशन MP40 के रूप में देखने को मिल जाएगी। तो गाइज ये तो मुझे फेक लग रही है, और क्योंकि यहाँ पर गाइज आप इसका एट्रीब्यूट देख सकते हो, यहाँ पर डबल डैमेज के साथ सिंगल रेट ऑफ फायर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गाइज ये मतलब कि ये गन जो है अगर आ जाती है तो गाइज काफ़ी ओपी वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर ये फेक गन मुझे लग रही है। तो गाइज आपको कैसी लग रही है, तो गाइज ये आप अपने कमेंट में बता दीजिएगा। और अभी हम बात करने वाले हैं हमारे थंबनेल पे जो हमने गन दिखाई थी, तो गाइज ये गन भी आपको थोड़ा थोड़ा एडिटेड लग सकती है, लेकिन यहाँ पर ये वाली गन भी मुझे एडिटेड लग रही है, और गाइज इसका मतलब कि आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका नाम होने वाला है फोनिक्स, और गाइज ये वाली गन की स्किन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है, और ये एडिटेड लग भी रही है, एडिटेड नहीं भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मतलब कहीं से भी इसमें लग नहीं रहा कि ये गन आपको एडिटेड देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसा जैसा इसका लेवल अप किया गया वैसे वैसे इस पर थोड़ा थोड़ा एनिमेशन और स्ट्रक्चर डाला गया है, और उसी के साथ साथ गाइज ये वाली गन की स्किन मतलब एट्रीब्यूट भी जो इसका है बिकॉज वो भी काफ़ी अच्छे से मतलब इसमें डाला गया है, तो गाइज एडिटेड लग नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर हम इसको एडिटेड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो इसके लुक है, क्योंकि गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लुक में ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो है ग्रीन फ्री फायर वाले नहीं देंगे कि ये गन जो है इतनी ज़्यादा खास देखने को मिल जाए। तो गाइज ये वाली गन आप लोग देख सकते हो आपको बहुत ही जल्द फ्री फायर में देखने को मिलने वाली है। तो गाइज अब आपको वेट ये करना होगा कि आपको 15-20 दिन के बाद कौन सी MP40 की ईवो गन देखने को मिलने वाली है, तो गाइज वो आने पर ही कंफर्म होगा। तो गाइज अभी इस वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।